हमारे पापा जी, ये हमारी मम्मी जी। सो हेलो गाइस, मैं आपकी गर्ल फ्रॉम हिल्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप लोग सब अच्छे होने। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन, तो आज हमने सोचा चलो चलो आगे तक घूमने चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फुल फैमिली चले हैं घूमने, मम्मी जी, पापा जी और मेरे साथ है मेरे ननंस, मेरे पति देव, और हम पांच फैमिली चले आज ऐसे ही घूमने। थोड़ा घर में बोर हो रहे थे तो चलो हमने सोचा चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सांगला के कैसे डेंजरस रोड है। बाकी और कुछ नहीं गाइस, इसमें पूरा आप लोगों को मैं ट्रैवलिंग ही दिखाऊंगी। आप लोग भी मज़े लेना और देखना कैसे कैसे क्या है सब कुछ, एरियाज कैसे हैं सांगला के। और आगे मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो आज संडे है, तो आज हम लोग घूमने आए हैं फुल फैमिली। ये है हमारे पापा जी, ये हमारी मम्मी जी, हर कुछ लाते गाड़ी, ऐसा नहीं सोचना भाई। मेरी YouTube फैमिली में जो हमारे मेरे हिमाचल को छोड़ के बाहर से जो लोग हैं उनके लिए मैंने क्लिप बनाया है आज के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसा स्ट्रगल होता है हिमाचल में। खैर अब तो इतना कुछ है नहीं, सब कुछ लाइट की सुविधा, रोड की सुविधा सब आ चुकी है। आप देख, आज की जनरेशन के लिए तो अब सर्वाइव करना बहुत ईजी हो चुका है। पहले पहले किन्नौर जैसे एरिया में तो रोड भी नहीं होते थे, लाइट नहीं होते थे, तब लोग पैदल चलते थे। आप देख सकते हो गाइज अब तो हम लोग गाड़ी गुड़ी हमारे को सारी सुविधा है, रोड भी पहुंच चुका है। और मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, जो बेचारे हमारे टूरिस्ट बाहर से जो हमारे हिमाचल में घूमने आते हैं, वो बेचारे घूमने आते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण ये होता है गाइस कि यहाँ पर जो आप लोग रोड देख सकते हो कि कितने डेंजरस रोड है। तो गाइस इस ऐसे रोडों में हमारे को संभल के चलना होता है, गाड़ी की स्पीड कम लेकर हमें ध्यान से चलना होता है, क्योंकि नीचे प्लेन एरिया में तो आपको पता है गाइस कि रोड सब कुछ प्लेन होता है, तो वहाँ पर इतना नहीं होता है एक्सीडेंट होने के चांसेस। बट जो हमारा किन्नौर है, जो हमारे पहाड़ हिमाचल की जो एरिया है, यहाँ पर रोड देख सकते हो गाइस कितने डेंजरस रोड होते हैं, यहाँ पर हमें संभल के चलना होता है। तो मेरा सब लोगों से जो हमारे बाहर से घूमने आते हैं हिमाचल को छोड़ के, जो बाहर के हमारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, सबसे ये निवेदन करती हूँ मैं कि जब भी वो यहाँ पर आए अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखे और आराम से गाड़ी चलाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। हमें ऐसी जगहों पर ध्यान रखकर संभल कर चलना होता है। अगर आपको मेरी आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी वीडियो के एंड तक बने। Side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's. गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा थोड़ा मजाक मजाक चल पड़ रहा था, और मैं मेरी ननद मजाक कर रहे थे, टोपी ऐसे पहनते हैं बोल रहे थे, बीच में हम बोर हो रहे थे गाइस। तो देख सकते हो कैसे कैसे हरकतें कर रहे थे, देखो होते थे। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि हम लोग सांगला थोड़ी देर में पहुंचने वाले, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो सामने खड़े हैं वहाँ से पानी आ रहा है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये।
चुके हैं और ये है हमारा बस स्टैंड सांगला का, और मैं आप लोग को आगे ब्रिज भी दिखाती हूँ सांगला का। वेलकम टू सांगला वैली। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सांगला, ये हमारा सांगला का बाजार। आप लोग को सामने ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग दिख रही होगी वो हमारी बिल्डिंग है। रुको, आप लोग देख सकते हो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ें या गिफ्ट कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे पास हर टाइप के कॉस्मेटिक सामान अवेलेबल है हमारे शॉप में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।